नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे UPTT जूनियर स्तर की आंसर की के बारे में। आपको इस वीडियो में पूरे 150 प्रश्न की आंसर की मिलेगी। इसमें हम मैथ और साइंस सेक्शन कवर करेंगे। सोशल साइंस का अलग से वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। बाकी 90 प्रश्न सबके कॉमन रहे होंगे, चाहे आप मैथ से हों या फिर साइंस से हों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों का। ये वो पेपर है जो 8 जनवरी 2020 को UPTT जूनियर स्तर की परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, आपको बता दें ये पेपर हम 20 सेट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो सबसे पहला इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन वन होगा, व्याख्यान विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इसका सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा स्तर। चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन डॉट डॉट के बीच संगति है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुक्रिया। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा समस्या समाधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठवां, निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो छठवें का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर होगा, प्रवाह विविधता मौलिकता विस्तारण। दोस्तों, आपको बता दें ये अगर आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर जाएं, वहाँ पर आंसर की सेक्शन चेक करें, वहाँ पर आपको ये प्राइमरी स्तर का और जूनियर स्तर दोनों पेपर आपको मिल जाएगा और आंसर की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, ये क्वेश्चन था, 1 4 5 वर्ष के बालक में ये क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौण के नियमों में शामिल नहीं है? तो आठवें का उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, चलें नवा क्वेश्चन है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा, ये क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, धनात्मक अंतरण। ठीक है, दसवां क्वेश्चन है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, संप्रेषण का मतलब डिसेबिलिटी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन कौन सी होता है? दसवें का सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, डिसफेसिया। ठीक है, ग्यारहवां क्वेश्चन था, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, वैयक्तिक अनुदेशन। बारहवां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बारहवें का जो पहला क्वेश्चन है ये सत्य नहीं है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये सत्य नहीं है बारहवें में। ठीक है, तेरहवां देखिए, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अभिक्षमता। ठीक है, चौदहवां प्रश्न, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक वाला क्वेश्चन था, तो चौदहवें में चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पांचवां, कौन व्यक्ति के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, फ्रायड। ठीक है दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिए जा सकें, लेकिन फिर भी हो सकता है जो ऑफिशियल आंसर किया है उससे एक या दो क्वेश्चन कम या ज़्यादा गलत सही भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 16वें क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, सूझ। 17वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक संवेग है, ये क्वेश्चन था, और 17वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, आमोद। FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है कौन है? तो 18वें का उत्तर सही है, फर्स्ट ऑप्शन, फ्लैंडर। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन फोर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 था,
सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था, ये क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रबोधन। भाई इसमें देखिए, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, अर्थ विज्ञान। 23वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? सही उत्तरों का ऑप्शन सेकंड है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? चौथा है, सॉरी 24वां नंबर, सूक्ष्म शिक्षण है तो क्या है? तो 24वें का सही उत्तर होगा पहला, अवश्रेणियन शिक्षण। अगला क्वेश्चन था, सूची ए को सूची बी से मिलाना था, एक तरफ मानववैज्ञानिक के नाम थे, एक तरफ उनके द्वारा सी दिए गए सिद्धांत थे। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा विकल्प इसका सही है। 26वां देखिए, 26वें का जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा ऑप्शन आपका, सही अभ्यास का सिद्धांत। 27वें की बात करें तो इसका भी तीसरा ऑप्शन सही है, क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है, आर एस थ्योरी में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर। 28वां देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम, ये वाला क्वेश्चन था 28वें का, पहला नंबर सही है, संकेत अधिगम। 29वां देखिए, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व तो नहीं है, तो 30वें का उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन, पुनर्बलन, ठीक है। आते हैं हिंदी के प्रश्नों की ओर, तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, यानी 31वां प्रश्न था ये, कौन सा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, सुबुद्धि असुबुद्धि, ठीक है। 32वां में सुमेल करना था, तलवार एक तरफ था फिर वृक्ष था, ये क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री इसका सही उत्तर है। 33वां देखिए, कौन सा मिश्र वाक्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये इसका सही उत्तर है। 34वां देखिए, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, ये क्वेश्चन था, सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट अधिकरण। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 35वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, आयुष्मती। इसके बाद गद्य था और इसमें इस बेस्ड क्वेश्चन थे, तो 36वें का जो सही प्रश्न है, सही उत्तर है वो है ऑप्शन वन, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 37वें में कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है? तो 37 का सेकंड ऑप्शन सही है, जो जीवन उपयोगी हो। इसके बाद 39 में क्या दिया था, यहाँ पर सही विकल्प छांट करके लिखना था, इसमें एक पद्य दिया था, तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन टू होगा, ठीक है, मधुर भाव, इसमें कौन सा भाव है? तो मधुर भाव है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। 39 की बात करते हैं, पद्यांश किसका है? तो ये पद्यांश जो है तुलसीदास का है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। 40वां देखिए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? 40वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 41वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकेंड, निदानात्मक परीक्षण। 42वां देखिए, आयोग वह कहा जाता है? तो 42वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, विसर्ग को, ठीक है। चलें 43वां देखिए, इसमें सुमेलित करना था, एक तरफ पुस्तकों के नाम थे और एक तरफ था कवि, तो 43वें में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 44, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण है 44वें में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, फर्स्ट और सेकंड दोनों। 45वें का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। 46वां क्वेश्चन था, मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, बहुत ही मूर्ख, ठीक है। 47वां देखिए, तद्धति का संधि विच्छेद क्या है? तो 47वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तत् प्लस ही। तो 48 देखिए, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत् प्लस विग्न। 49वां देखिए, बीती विभावरी जागरी, इसमें बताना था कौन सा अलंकार है? तो 49 में सही ऑप्शन है फर्स्ट, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन था 50, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 50वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यमक अलंकार। 51वें,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकवचन तथा बहुवचन दोनों के रूप में प्रयोग हो सकता है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, मोनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52वां क्वेश्चन था, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी करहाट कुहाड़ कुड़ा। 53 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग का उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, नी प्लस खरा, ये अशुद्ध है। ठीक है, चले किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, मधुमक्खी। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास है। चले 55 देखिए, सिर पर सवार रहना इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, पीछे पड़ना। ठीक है, पीछे पड़ना। 56 देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का में कौन सा सर्वनाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, निश्चयवाचक सर्वनाम। 57 नंबर, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, गुणवाचक विशेषण। 58 देखिए, जीभ और सर्प के स्पर्श होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा 58 का, वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, दंत। 59 देखिए, निम्नलिखित में ध्वनियों वाला क्वेश्चन था, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी च तालव्य महाप्राण। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, सारंग। ठीक है, चले आते हैं इंग्लिश पर, लैंग्वेज 2 है ये। पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड प्रिया इज नॉट। ये क्वेश्चन था, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, कट आउट। ठीक है, 62 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन बताना था, चौथा ऑप्शन सही है, आयरन। ठीक है, इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकली कौन सा जो सेंटेंस है वो एक्सेप्टेबल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, गिव मी 5, गिव मी 4, 5 रुपीज नोट्स। ठीक है, 64 में देखिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एट द फॉलोइंग सेंटेंस, 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडवाइस एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, आई बॉट ए चेन विच वॉज ब्यूटिफुल। इसके बाद अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 66 था, इसमें एक आपको पोएम दी गई थी। तो इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटर, अटर का मीनिंग क्या है? सही उत्तर है, सेकंड ऑप्शन है, स्पीक। ठीक है, 67 देखिए, व्हिच इज द मूड ऑफ द पोएट, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड है, पेसोमिस्टिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया गया था, उससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो दिया गया था इसमें फ्रस्ट्रेटर जो पैसेज है, इसका उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, प्रोमोटर। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 69, ड्रास्टिक का जो मीनिंग है वो पैसेज के अनुसार क्या है, ये बताना था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, डिटरमाइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें दो डॉट डॉट दिए थे, नेपोलियन हैड जीनियस, 70 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, पहले विकल्प मतलब डॉट डॉट में 4 आएगा, दूसरे में इन आएगा। 71 नंबर देखिए, इंजीनियस का आपको बताना था पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा इसमें है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, एडजेक्टिव। चलें 42 देखिए, फेमिनिन जेंडर बनाना था आपको, बैचलर इज, इसका 72 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, स्पिंस्टर। 73 में क्या करना था आपको, चेंज करना था नेगेटिव वन में, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, ये क्वेश्चन था। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, चेंज करना था नेगेटिव में। 74 देखिए, चेंज द फॉलोइंग इन टू एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में चेंज करना था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकेंड, डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट। चलिए 75 नंबर पे आते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है, विच सफिक्स शुड बी यूज टू प्लुरलाइज
मतलब बहुवचन बनाने के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन वन, ईएस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का, सरदार पटेल का क्वेश्चन था ये, डॉट डॉट करके। तो इसमें आपका ऑप्शन चौथा सही है, लेड। 77 में देखिए, मस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसमें बताना था मस्कुलिन जेंडर। सही उत्तर होगा 77 नंबर में तीसरा, ठीक है, ड्रेक। 78 देखिए, इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किस में की जा रही है 78 में? तो चौथा ऑप्शन सही है, कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, चौथा ऑप्शन सही है। 79 नंबर में देखिए, ऑप्शन सेकंड सही है, 79 में सेकंड कैटल। 80 नंबर में देखिए, ऑप्शन वन सही है, अनलेस, ठीक है। इसके बाद 81 नंबर पे देखिए, ऑप्शन नंबर थ्री सही है, रेनू सेड गिव मी ए पेन ए पेंसिल एंड ए बुक। 82 नंबर पे देखिए, ऑप्शन वन सही है, एनी बॉडी, ये वाला सही है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 83 में था, जस्टिस का विलोम शब्द क्या है, एंटोनिस। 83 में आप लोग जानते हैं, पहला सही होगा इनजस्टिस, जस्टिस का इनजस्टिस। 84 नंबर देखिए, एड्रॉयट का साइनोनाइम बताना था आपको, तो 84 में सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, स्किल्ड। चलें 85 था, विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, चौथा ऑप्शन सही है 85 में, ठीक है। 86 का सेकंड ऑप्शन सही है, ए क्रूवेल बॉय किल्ड बाय द बर्ड, इसमें आपको एक्ट टू में चेंज करना था। चलें 87 नंबर पे आइए, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम। 88 नंबर देखिए, इसका चौथा ऑप्शन सही है, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। 89 में देखिए, इसका भी चौथा ऑप्शन सही है, इज। 90 नंबर देखिए, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, आई। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके मित्र हैं उनको इस वीडियो के बारे में पूरी कंप्लीट रियल ऑथेंटिक आंसर की पता चल पाए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको शिक्षक भर्ती और अन्य सभी परीक्षाओं की पूरी अपडेट देते हैं एवं तैयारी भी करवाते हैं। चलिए आते हैं अब मैथ सेक्शन पर। दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ और साइंस हल करेंगे। अगले वीडियो में आपको मिलेगा साइंस, मतलब सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की पूरी 60 क्वेश्चंस की आंसर की, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा अगर आपने सामाजिक विज्ञान लिया है तो। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई प्राकृतिक संख्या, ये वाला क्वेश्चन है, 91 नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 3 से। अगला क्वेश्चन है 92, यदि 9/7 की पावर 3, ये क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 6। चलें क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एक छाता दो भिन्न रंगों के त्रिभुज अनुसार, ये क्वेश्चन था, और 93 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1000√6, ये इसका सही होगा 93 में ऑप्शन नंबर 3। 94 क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, a = c। 95 नंबर था, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में, ये क्वेश्चन था 95 नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10%, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन 96 पर। 96 क्वेश्चन देखिए, एक पेड़ पर बैठी B1, B2 तथा B3 तीन प्रकार की चिड़िया, ये क्वेश्चन था, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 945, ठीक है। 97 देखिए, 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 है, ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। 98 देखिए, 10³ a + a क्वेश्चन है, 98 वाला सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 98 में ऑप्शन नंबर 2 सही है। 99 देखिए, 99 में ऑप्शन नंबर 1 सही है, 15:4। 100वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 सही है यानी 1। 101 क्वेश्चन देखिए, इसमें का भी 1 सही है, 125%।
102 में आपका दूसरा क्वेश्चन सही है 1.1, 103 में आपका पहला ऑप्शन सही है 9.1, ठीक है। 104 में देखिए दो घनों का अनुपात वाला क्वेश्चन था, 104 में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 9:16, ठीक है। 105 देखिए क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x^4 बराबर 14 था, तो 105 में सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ABC, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्वेश्चन था, यदि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O हो, तो 106 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 40°। 107 में ऑप्शन नंबर 4 सही है, 108 में ऑप्शन नंबर 1 सही है, 109 में ऑप्शन नंबर 4 सही है, 50°, ठीक है। 110, 111, 112 की बात करते हैं, तो 110 में पहला ऑप्शन सही है 1, 111 में तीसरा ऑप्शन सही है, इसके अनंत हल हैं, 100 कौन सा है 12, 112 में आपका 1 नंबर सही है 50, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चंस थे जो 20 सेट के थे। अब आते हैं 112 तक होगा, 113 पर आते हैं। 113 में cos 15 sin 210 वाला क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, √3/4। 114 में आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। 115 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, −5/3.4। 116 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, √2, √2, √1, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। 117 में ऑप्शन नंबर 1 सही है। 118 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 119 की बात करें, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 5/4 मिनट। इसी तरह से 120वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होते हैं साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। 121 से लेकर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकेंड, विटामिन डी, ठीक है। फिर है पांच जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन था, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, पादप में। 123 क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक है, तो 123 का सही उत्तर है ऑप्शन 1, रक्त, ठीक है। 124 देखिए, अंड जनन की प्रक्रिया में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्पस है क्या है आपको बताना था, तो 125 का जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 है, एक मीन है, ठीक है। 126 देखिए, अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फेन प्लावन विधि द्वारा, ठीक है। चलें 127 देखिए, 2-मिथाइल प्रोपेन में 3 कार्बन की संख्या है, तो इसमें बताना था आपको, तो 127 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, ठीक है। 128 देखिए, इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना था, 128 में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आइसोप्रोपाइल मिथाइल मेथिल ईथर। 129 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 129 में सही ऑप्शन नंबर 2 है आपका, SI, कार्बन के बाद श्रृंखलन है तो बंद ऊर्जा है, ठीक है, तो SI 129 का 2 सही है। 130 में तीसरा ऑप्शन सही है, C, ठीक है, तो 130 का तीसरा ऑप्शन सही है, C, ठीक है, ये वाला। इसके बाद 131 की बात करते हैं, तो 131 में सेकंड ऑप्शन सही है, पराश्रव्य, ठीक है। 132 की बात करते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही है, 0° अंश। 133 की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं डेसीबल क्या है, तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका, ध्वनि स्तर की एक माप। किरचॉफ धारा का नियम धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, 134 में, तो सेकंड ऑप्शन सही है, आवेश के। 135 में था, यम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ई है, ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, √2ME। 136 की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, X1 is greater than X2। ऊष्मा की SI इकाई क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, 137 का तीसरा ऑप्शन सही है, जूल, ठीक है, जूल है। चलें 138 देखिए, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो सेकंड ऑप्शन सही है आपका, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों होती है, ठीक है,
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। इसके बाद 139 देखिए, पहला ऑप्शन सही है, 10 की पावर माइनस, क्या है इसमें, क्या लिखा है, हाँ पहला ऑप्शन सही, 10 की पावर माइनस 4 माइक्रोन, ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, और यहाँ पे माइक्रोन में सब दिया है, 10 की पावर माइनस 4 माइक्रोन हो जाएगा। 140 देखिए, ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम किस में होगी, तो आपको बताना है, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, इस्पात में, ठोसों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, ठीक है, इस्पात ठोस होता है। 141 में, निम्न में कौन जलीय ब्रायोफाइट है, 141 क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रिक्सिया फ्लूटेंस, ठीक है, 141 में सेकंड ऑप्शन सही है। 142 देख लिए, पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन सा, ये बताना था, सही ऑप्शन है चौथा, अमरबेल। 143 देखिए, इसका भी ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4 सही है इसका भी। चलिए आगे आते हैं 144 पर, 144 का भी चौथा ऑप्शन सही है, ये वे पौधे जो जंतु केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हों। 145 की बात करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन, सेकंड ऑप्शन। कैल्शियम कौन सा प्रदर्शित करता है, ये बताना था, 146 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कैल्सिनेशन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। चलें 147 में देख, कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है, 47 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, H2S। 148 देखिए, निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से थे, ये बताना था, तो 148 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 149 की बात करते हैं, नाभिक स्नेही योग जब क्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, तो 149 का तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है आवर्त सारणी वाला, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, A, B और C। तो दोस्तों ये 150 प्रश्न थे जो यूपी टेट जूनियर सेट बी में आए थे, ठीक है, बी फॉर बॉल, मैथ और साइंस में हमने कवर किया है। बाकी अगर आप सामाजिक अध्ययन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कि चैनल पर इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।